सो कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11 बजे से। और गाइस, नाश्ता वास्ता कर लिया है। आज 11 बजे से मैं व्लॉगिंग की स्टार्टिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दीदी लोग, जो भी इधर दीदी लोग आए हुए थे, वो दीदी लोग आज चले गए, तो हम लोगों को छोड़ने के लिए गए थे। कहाँ गए थे वो मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो गाइस, आज का मौसम है बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा है क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है, बादल भी लगे हुए हैं, धूप भी थोड़ी थोड़ी धूप भी आ रही है। और तो उधर पे है माँ भगवती का मंदिर, वो भी मैं आपको भी पूरा दिखाऊंगी। आधा मैंने कल के ब्लॉग में डाला था जब पूजा वूजा हो रही थी। आज पूजा वूजा कुछ भी नहीं है, शाम तक का मैं भी घर चले जाऊँगी क्योंकि जिस दादा के साथ मैं आई थी वो गए हैं शादी में, तो मैं उनके साथ ही जाऊँगी शाम को। तो गाइस, अब मैं दिखाती हूँ काफल का पेड़, और मैं अभी उस पेड़ में जाके काफल तोड़ने वाली हूँ। मैं अकेले आई हूँ क्योंकि घर में कोई नहीं है, ताई जी लोग सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे को अकेले आ गई। यहीं पे कोई है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे को है, तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो गाइज़, ये है वो काफल का पेड़, और इसमें ज़्यादा काफल तो लगे नहीं हुए, बट इस बार मैंने काफल नहीं चखे हुए हैं, तो मैं इस पेड़ में जाऊँगी और दो तीन दाने, चार पाँच दाने जितने भी मिलेंगे तोड़ के फिर खाएंगे, और उसके बाद आपसे मिलेंगे। तो गाइज, आप मुझे देख सकते हैं मैं किधर हूँ। और मुझे गाइज काफल ना 8 से 10 दाने मिले, उससे ज़्यादा नहीं मिले गाइज। तो अब चढ़ते हैं, अब चले जाते हैं नीचे, कोई फ़ायदा नहीं है ऊपर और ऊपर चढ़ के, क्योंकि ऊपर भी काफल नहीं है। तो मैं काफल तोड़ के आ गई हूँ और मेरे को इतने दाने काफल के मिले क्योंकि वहाँ पे थे ही नहीं काफल, और ये भी पता है कच्चे हैं, तो मैं इतने तोड़ के लेके आ गई। और गाइस, पता है यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है, हर जगह हरा भरा पेड़ ही पेड़ है, अखरोट के और माल्टा के पेड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ठंडा होता है ना इस एरिया में, इसलिए आप पीछे साइड देख भी सकते हैं बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। और अब मैं आपको बैक कैमरा करके माँ भगवती का मंदिर दिखाती हूँ पूरा। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये है माँ भगवती का मंदिर, यहाँ पे को मतलब काफ़ी प्यारा बना रखा है, जैसे कल बहुत बड़ी पूजा थी तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो बैठने के लिए काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे लगाया था चूल्हा सब खाना वाना बनाने के लिए। ये है माल्टा का पेड़ और ये सारे अखरोट के पेड़ इधर पे को देख सकते हैं। और ये है एंट्री गेट, इस साइड से इधर से एंट्री गेट है, इससे नीचे को सारे गांव ही हैं। और ये है माँ भगवती का मंदिर। अब हम आपको लेके चलते हैं अंदर को। और यह है धोनी, छापे को रहा था नॉर्थ, वो है मेरी ताई। तो गाइस, ये है माँ भगवती का मंदिर। तो गाइस, आप देख सकते हैं कई प्यारी लोकेशन है यहाँ पे को, मतलब काफ़ी अच्छा बैठने के लिए बनाया हुआ है। वो पंचायत के बर्तन है, यहीं के जो पूजा वूजा होती है तो यहीं पे उनका क्या बोलते हैं, यहीं पे यूज़ करते हैं तो बर्तनों को, और इधर ही रख देते हैं धर्मशाला है यहाँ पे को, यहाँ पे ही रख देते हैं, यहाँ पे कीर्तन वगैरह होते हैं। उस दिन नॉर्थ के दिन तो मैं आई नहीं थी तो मैंने मिस कर दिया वो सब, बट यहाँ लोकेशन बहुत प्यारी है, बट बहुत ज़्यादा चलना है। मैं उधर से आई थी, अभी मुझे उधर जाना है, इसके ऊपर बहुत ऊपर है, मतलब बहुत ज़्यादा चलना है इधर से, तो कोई नहीं, इतना तो चलता ही है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ बहुत अच्छी लोकेशन, मतलब इधर एक सुकून वाली जगह है, बहुत ज़्यादा सुकून वाली जगह है, क्योंकि मंदिरों के साइड वैसे होती ही सुकून वाली जगह है, बट इधर पे बहुत सुनसानी और दूर दूर घर है। यहाँ पे ताई जी लोगों का एक सिंगल घर है, एक नीचे पे घर है, फिर उसके बाद वो नीचे नीचे को घर है, वो तो दूसरा घर है, मतलब दूसरा पड़ोस जो भी होता है वो है, देख सकते हैं बाकी कैसा। तो गाइस, अब लंच की तैयारी हो रही है, तो थोड़ी बहुत हेल्प करी जाए ताई लोगों की। तो आप इतना देख ही चुके हैं यहाँ पे को, बहुत अच्छी लोकेशन है गाइस, बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ पे को, बहुत ज़्यादा सुकून है, मतलब काफ़ी सुनसानी है, ज़्यादा लोग भी नहीं है, और यहाँ पे बैठ के हम आराम से रात को भी बैठ सकते हैं, दिन में भी बैठ सकते हैं, मतलब कोई शोर शराबा नहीं, तो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को यहाँ आके। तो गाइस, अब चलते हैं उधर को और उसके बाद आपसे मिलते हैं। हाँ,
ये सही था। बस बस था, बस ओवर एक्टिंग भी इतनी नहीं करनी चाहिए। कुछ नहीं होता, रोना नहीं, रोने वाला सिस्टम खत्म है आजकल। नहीं अब रोते नहीं, चलो जाओ 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 जाओ, चलो दीदी लोकेशन पर होने का अलग ही मजा है, मगर प्राइम लोकेशन पर होने का अलग ही मजा है। और क्या, ओके ठंडी ठंडी हवा लग रही है। आ जाओ चले चलो, बाय दीदी, ऊपर को देख के बाय बाय दीदी। इस तो भी बज रहे शाम के 6 और देखो मैं चाय लेके इधर आई हूँ चाय पीने के लिए, क्योंकि आज है वो साइड में मंदिर है वहाँ पे को नॉर्थ, तो सब लोग नीचे गए हैं पूरी वूरी बनाने के लिए भाभी लोग, तो मैं आपको आगे का लोकेशन दिखाती हूँ एक बार। तो गाइस भाभी लोग नीचे वाले घर में गए हैं, और जो आगे पे है जहाँ पे से हल्का हल्का धुआं भी आ रहा है वहाँ पे को है पूजा, मतलब शाम को नॉर्थ है वहाँ पे को। तो गाइस इधर का लोकेशन आप देख सकते हैं, और इसमें बहुत ठंडा हो रहा है, तो गरम गरम चाय पीने का आनंद कुछ और ही है इसमें, जानते होंगे। तो गाइस इधर पे देख सकते हैं आप, काफ़ी सही मौसम हो रहा है अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, स्वेटर की ज़रूरत है। तो चाय पीने के बाद हम चलते हैं स्वेटर पहनने, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि आज खाने का निमंत्रण उधर ही है, उधर ही खाना है सबको, और फिर उधर हम नॉर्थ देखने जाएंगे शाम को, इधर से ही जाएंगे। तो गाइस एक बार चाय वाय पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं हमारे मंदिर में, नॉर्थ में बैठे थे हम लोग और बारिश आ गई, देख सकते हैं आप बहुत तगड़ी। Thank you.